जब कोई बंदा घर में आओ है मेहमान तो उसके आगे बनना तो चाहिए अच्छा, और वो दूने बुराई लेने लग रहा। मैं उस दिन कुछ कह रहा हूँ प्यार से रहने लग रहा था, हमारे घर की चीज हमारे घर में होनी चाहिए। राम राम जी सारे ने, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। जो मेरी बहन चैनल पर पहली बार आई है प्लीज़ एक बार चैनल है जरूर सब्सक्राइब कर लियो। और भाई आज मैं जल्दी उठ गई थी, आज मैं 6 बजे उठ गई थी, वैसे तो हम 7 बजे उठते हैं, पर आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि भाई मेरे पति ने कल टिकट बुक को नहीं कराई, पता नहीं जान के नहीं कराई, और मेरे तो नहीं हुआ भाई वही को नहीं, सारी टिकट एकदम ही बुक हो गई। मानने में हम 1 महीने तक कोशिश करे टिकट बुक कराने की, पर टिकट बुक ही खाली को नहीं। हम सोच रहे थे इमरजेंसी वाली कराएंगे तो वो भी नहीं हुई, आज कोशिश करांगे जे आज हो जाएगी। और मैं अपने पति तक कहने लग रही हूँ भाई उठ जो सोन लग रहे इवलग इवलग नहीं हुआ, मैं को नहीं उठता ना, मैंने आना थमे जाओ। और मतलब जब कोई बंदा घर में आओ है मेहमान तो उसके आगे बनना तो चाहिए अच्छा, और वो दूने बुराई लेने लग रही है, मैं नहीं कहने लग रही उठ जा। पहले तो इतने प्यार तेरे करता 4-5 दिन हो गए, कल का मेरे पापा आ रहा ना उसके सामने बैठदा हुई अजीब सी मारे के लोग भी बात करने लग रहे, पता नहीं के बढ़ गया इसे एकदम ही। आप लोग भी सोचो, आप लोगों ने भी देखी होगी भाई वीडियो कितने प्यार से बात करने लग रहे थे, कितने प्यार प्यार तेरे लग रहा था, बस कल आंदे ही नहीं हो गया उसका तो पता नहीं के हो गया, ऊट चढ़ा रहा जद का मेरे के लोग इतनी बदतमीजी से बात करने लग रहा। और चलो मैं तो फिर भी कोई बात नहीं भाई हो जाए, एक आधी बारी बंदे का दिमाग ऐसा ही तो उठाऊंगी उसने, कहूंगी एक बारी उठ जा। मैंने एक बारी कहा भी था सुबह सुबह जब मैं उठी थी, मैं उठ जो मैंने जाना भी तो है, आज टिकट बुक करानी तो करनाल जाना, मेरे पापा भी जाएंगे, तो मैंने मशीन ला दी थी कपड़े के लिए, मैं जल्दी जल्दी काम करूंगी आज इतवार, मम्मी भी घर में ही है थोड़ा बहुत काम मैं करके चली जाऊंगी फिर मम्मी, क्योंकि एक ही बंदे के ऊपर लोड पड़ जाए भाई काम का, तो बच्चा सोने लग रहा है, एक नहा दिया और तैयार कर दिया भी उसने, कह दूँ मेरे पापा ही उठे हैं वॉशरूम गए और मेरी दादी भाई ये देखो रहे सोन लग रहे हैं, मैं कद की ठान लग रही हूँ कि उठ जो सुनो ओए बाबू उठ जो ना सुंदर नहीं, कद की कहने लग रही थी मैं एक बार सुबह भी आई थी एक बार फिर आ ली उठ जो यार जाना नहीं के लेट क्यों करन लग रहे हो, कल की तरह करोगे फिर ड्रामे कितने बेकार इंसान होनी है बाबू यार, उठ जाओ ड्रामे नहीं कर दे यार, मुझे पता है मेरे साथ मजाक कर, उठ जाओ ड्रामे की क्या बात है इसमें, उठ जाओ यार देखिए कितना टाइम हो गया, देखिए टाइम देखिए 8 बजने वाले हो रहे, 8 बजे जाना था आपने, के कहा था उठते ऐसा ही नहीं करता, ले जो नहीं आंदा वो जद उठ जो जल्दी तो साले ले जाता नहीं जानता था ना था ये क्यों नहीं जानता के रीजन बता, आंखें देखी वो कर कर रखी लाल खड़ा गुंठी है तेरी, वो क्या दान ले आई तेरी की कितना घटिया इंसान है, आ याद नहीं अपनी चीज वो क्या छोड़ दी गुंठी क्या छोड़ दिया, दीदे खोल के देख ले उन मां कौन थी समझ की बात, ज्यादा बकवास नहीं मार सारा कुछ लिया रखिया, हां गुंठी नहीं थी मैंने नहीं सोचा तेरा बाप है मैं कुछ खंदा नहीं हूं, तब पेड़ा दिख नहीं दांत काट दूंगा सारे समझ गई, मैं उस दिन कुछ कह रहा हूं प्यार से रहने लग रहा था, मारे घर की चीज मारे घर में होनी चाहिए, तू ज्यादा बकवास नहीं मार तेरे जल्दी चल उठ ले उठता मेरा मरता कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे प्यार तक कहने लग रही जो मेरा गुस्सा नहीं ठावा बिना मतलब का, मैं प्यार तब तेरी बात करने लग रही ड्रामे तू नहीं दिखावा ड्रामे प्यार तो चल ले बारह ने बदतमीज इंसान, एक तो प्यार से बात करने लग रही तो आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह बात करी उसने मेरे के लिए, इतना हड़क्या हो रहा पता नहीं के तो रहा उसके, मैंने अभी क्या मैं कर रहे हैं देखी हूँ ज़्यादा बहस करी नहीं तड़की तड़की अपना भी दिमाग खराब कर रहे थे, तड़की तड़की दिमाग खराब हो जानी सारी मतलब सारा दिन ही बहुत घटिया जावा फिर तो, एक भी पता नहीं कैसे कैसे इंसान जन्म रहे इस दुनिया में, मैं तो इतने प्यार थे फिर भी मेरे इतना गुस्सा हुआ इतना गुस्सा कंट्रोल कर लूँ, पर दादी आपको समझा ली उसने, और मेरी मम्मी भाई मंदिर में गई, मेरी मम्मी रोज़ मंदिर में जाओ, मेरी मम्मी ने किसी ने बताया था कि जे रोज़ मंदिर में जाओगी शिव जी को पानी चढ़ाओगी तो कमर दर्द है वो ठीक हो जाएगी, और कुछ मेरे पति के लिए भी जाओगे भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा घर में, तो मेरी मम्मी रोज़ जाओ भाई मंदिर में, तो मैं भी वहाँ का अपना काम कर ली हूँ जल्दी जल्दी, फिर जाना भी है क्यों लेट करी नहीं, टाइम भी होने लग रहा, और गुल्लू भाई मैंने तैयार करके बिठा दिया और आराम से यू बस नुआना रह गया यू तैयार करना रह गया बाकी सारा काम बन गया, उठ जा बेटा एक बारी फिर उसके बाद चलेंगे। तो भाई मेरी मम्मी पूजा करने लग रही है मंदिर से आ गई है रोज मंदिर से आकर घर आके पूजा करा है, तो मेरे पति के लिए भाई ये
वो करा के भाई ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोज जाओ मंदिर में कुछ कमर के लिए भी जाओ। राम राम जी सारे ने मेरी और तलन भाई आना और के करा भी कुछ तो करना चाहिए, सामने का महीना भी है, रूम भी बच्चे ठीक ठाक रह जावा अपना। और भाई उस बहन ने गदा दिया था तो मैंने मंदिर में धर दिया भाई कि हनुमान जी का हुआ है तो मैंने धर दिया। हम तो नहीं जाऊँ भाई, सब कुछ ठीक हो जाए क्योंकि कलेश सही को नहीं होता। और मेरे पति इतने प्यार से रहने लग रहे थे, एकदम ही पता नहीं क्या बढ़ रहा दिमाग में, तो मैं तो तैयार हो गई हूँ, छोटा बच्चा तैयार करना रह गया ना तो लेट हो जाएगी, मन नहीं डर लग गया। एक दादी तक आऊँगी मैं, दादी एक बार आप ही कह लो उठ जाएगा इतना वो कर रहा आज मारे गिल्लो, जब जाने की बारी आ रही मैं तो नहीं हो रही थी, जहाँ जाऊँगा कपड़े ले आया हूँ उसके, मैंने कपड़े धोधा के प्रेस करके भी धर दिया, मैं कोई नहीं जब जाएंगे नहीं बढ़िया तरिया बढ़िया लगेगा। और फिर इतने ड्रामे कर रहा कि थम जाओ अपने चमचे नहीं ले जाए कभी कुछ पैसा लेना, बेचारे इतना साथ देगा मेरा साथ दिन कुछ मतलब मंगाना पड़े सामान और पटे सी लिया ले भाभी मैं ले आऊँगा, ले भाभी बच्चे ने मैं खिलाऊंगा तू काम कर ले। और ये कुछ नहीं के कहने लग रहा बाबू ना लिया आप फिर ना लो ना यार बाबू चलना नहीं मन लेट भी तो रही मेरे बाबू नहीं आप ठीक है चलोगे ना आप ठीक है मेरे प्यारा बाबू नहीं है ठीक है फिर नहीं वही चलो मैं तो नहीं वही चलोगे वो इसमें ही खुश हूँ। और गुन्नू देखिए भाई उरे ना दो के फ्रेश होकर केला कोला खा कर रोटी बनाने लग रही हूँ मम्मी जाओ फिर बनाने लग रही अभी खड़ी खड़ी बन रोटी ले फिर दो मिनट की समय ही नहीं केला खा लो केले रहे कितने फ्रूट रहे लड्डू मेरा मेरा रोज केला खाए करो माना रोटी चाहिए हो सुबह की। अरे वो देखिए भाई उठ गया था और फिर सो गया देख शरारती बच्चे का ध्यान रखियो जाऊं बियारा पर के हो रहा बाबू आपके हैं ठा दिया किसने तन्ना ए न्यू को तन्ना ठा दिया दी वो पापा ने कह दे गुन्नू बोल के हो रहा पापा क्या हो गया और क्या हो रहा मेरा दिमाग खराब कर रही क्या लिखी हुई प्यार तो नहीं बोले जंदा प्यार मैं प्यार था तो करना है सारा ड्रामा ये समझ की बात है मैंने क्या मैं प्यार था हूं ये दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है कभी नहीं सोचा मेरा पापा है खुद कंधा है नहीं यार बात का दिमाग जंद कर दिया नहीं उड़ता ज्यादा नहीं बना ठीक है अपना काम कर ले मैं तो इतना प्यार था बोलने लग रही मगर चलना नहीं चल अपना काम कर रहन दे ठीक है नहीं जाना आपने पता नहीं के बनवा तो भाई कपड़े धो दिए हैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहे जाने के लिए पर मैंने सोचा भाई कपड़े जब मशीन लगा रखी है तो धुल रहे थे मैंने सोचा जल्दी जल्दी धो दूँगी अभी मैं सुखाऊँ जल्दी जल्दी फिर मम्मी भाई कितना काम करेगी घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो मैंने कपड़े धो लिए सकाल उठ जाऊँगी थोड़ी देर में। मेरी माँ और गुल्लू रोने लग रही आज इसका चाचू चीज़ को नहीं लिया चिंगाड़े मारा लग रहा गर्मी इतनी ज्यादा गाड़ी का कवर उतार दिया भाई जाऊंगे थोड़ी देर में बस कपड़े सिखा दूँ ये थोड़े से हैं और बच्चा तैयार होकर दोनों बस रेडी कर दिया मैं भी रेडी हूँ मैं तो यूं ही ठीक हूँ पर पसीने में अलग खराब हो रही ले लिया पानी की बोतल सबसे मेन पर्स इसमें बच्चे को जामी गाल लिया दादी हम तोड़ के आऊंगे जो टिकट बन गया आज भगवान से दुआ करो भाई बन चलो देख लो भाई हिम्मत करके अभी जमड़े लगने से करके खजाने का चाबी ला दे इन चाबी खुल गई मेरी दादी का टेंशन हो रही कहीं मेरा हो रही बताऊं पचास रुपये को मेरा ऑर्डर खाने जी सब चाहे कुछ पचास रुपये दे जाऊंगे बताऊं बर्तन में पानी क्या मिनट के लिए छाए हूँ वहीं चीज लगा गर्मी रहा है गोल करके और कटोरी धर ले कटोरी लिया बेटा कटोरी में रस्सी लिया कटोरी लिया कुछ लिया इसमें गाड़ी में हाँ धर लियो पानी पूनी पींदे जाइए और केले धर ले पाँच सात खाने खातर ठीक है दादी भूख लग रही मेरी दादी जी भाई इतनी टेंशन है कि क्या है बोला टाइम आ गया नानू ने ले जाने लिया गिलास ही लिया इतना खुश हो रहा कल का सोया भी अपने नानू के पास नानू के पास सोया था वाह अच्छा अब नानू ने खुशबू डाल दी मेरे में परफ्यूम ओ तेरी का नानू का पोता एक गिलास ही लिया आगे बैठी नानू के पास रिबू नहीं और जब लिया पानी बस तो दर ले कटोरे कटारी चल कोई बात मैं आपको दर लूंगी बच्चा है तो ठीक है फिर जाओ हम बाय वो ले लिए कपड़ा कुपड़ा कोई कुछ ले लिया मैंने सब कुछ टेंशन नहीं लिया पसीना बहुत दे रहा थारी भगवान अब से जिंदगी लावा थारा
हम भी खाना पीना खा लिए राम राम जी सबके प्रेम प्यार जमान मेरा दिन नहीं पाया भैया बातें गल कर रही हैं की कर रही हैं जावा जावा वो मन फिरे दादी का लगता है सुनती लोग यूं ही ठीक रहो मां दादी आगे तो गर्मी है माज कह ले दो निकाल ले गाड़ी बाहर जल्दी दीपू की दवाई भी लानी खांसी हो रही उसको गेट खोलू खा तो ठा रखे तो भाई गाड़ी निकालेगी वो और मैं भी गेट खोल लूँ सबसे मेन जल्दी आ मेरे पापा भी अंदर कपड़े पहन लग रहे थे गर्मी इतनी हो रही है सारे न्यूकम हम तो चप्पलों में चलेंगे मैंने भी चप्पल पहन लिया इतनी फ्लेक्सिबल चप्पल है ना कि क्या बताए घर में भी और बाहर जाने के लिए भी तो भाई जल्दी जल्दी गाड़ी निकालने लग रही क्योंकि लेट बहुत हो गया 8 बजे का टाइम दिया था तो 8 बजे तक मतलब 8 से ऊपर ही टाइम हो रहा और आज हम लेट ही पहुँचेंगे भगवान यही है कि जल्दी से बस टिकट बुक हो जाए पहुँच गए हम रेलवे स्टेशन और मेरे पापा और गुन्नू चले गए हैं अंदर और मैं अर्दीपू जाने लग रहे हैं अब क्योंकि हम गाड़ी में बैठे थे वो ऐसे बोले भाई पहले हम देख लेते हैं अंदर फिर हम भी चले जाते हैं हम चल अंदर ही होगा भाई करनाल का रेलवे स्टेशन चल चल जल्दी चल ला भाई प्रिया सर ये प्रिया पापा थक गए मैं तो भाई मैं इतना हाथ चला ये सारा कुछ नया ही बना है अभी नीचे से नीचे से नीचे से टिकट अप्लाई कर दिया है 11 बजे खुलेगा तभी पता चलेगा 50-50 चांस है कोई कभी पहले ही नहीं कह सकते भाई कि बुक होगी डर भी लग रहा है भगवान डर इस बात का है भगवान हो जानी चाहिए नहीं हुई नहीं फिर तो भाई बहुत दिक्कत आ जाएगी दीप को नींद आ रही है और गाड़ी हमारी बहुत दूर खड़ी है और हम यहाँ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान सिंगाड़े मारेगा भी और गुन्नू तो इतना खेल रहे अपने नानू के साथ